क्या कल हमारा बाजार गिरेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों भाई, मैं क्यों कह रहा हूँ भैया कि डाटा जो है बियरिश बन चुका है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है दोस्तों? मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है कि डाउन जाएगा। क्या लेवल्स होने वाले हैं दोस्तों कल के दिन के, जानेंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट होने से पहले आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश, एक लाइक बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों, जब आप देख रहे होंगे भाई निफ्टी का ट्रेंड, तो फिलहाल अगर ये वाली जो कैंडल है एक ऊपर, यहाँ पर रेड बनना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अब हमारा जो थोड़ा सा डाटा है वो पॉजिटिव से हल्का सा नेगेटिव ट्रेंड की तरफ चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्तों मार्केट बुलिश नहीं है, मार्केट तो बुलिश ही है, बट फिलहाल का दोस्तों थोड़े दिन के लिए, या फिर बोल सकते हैं कल के दिन के लिए, ट्रेंड हमारा बियरिश देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों अब हम अपने आसपास ट्रेड कर रहे हैं लो के। तो दोस्तों, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, अगेन बता रहा हूँ, ये लेवल नोट कर लो। इस लेवल के नीचे अगर टूटता है 10 मिनट, इसके नीचे कैंडल बना लेता है, मतलब इसके नीचे रेड कैंडल, और जैसे ही इस कैंडल का लो टूटेगा, आपको यहाँ पुट ले लेनी है इसके नीचे, और टारगेट आपके होने चाहिए 18260 के, 18220 के। दोस्तों, ये बात हो गई बिलो 18300 की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मान के चलिए बाज़ार खुल दिए यहाँ जाता है 350 के आसपास या 370 के। तो दोस्तों, बाइंग का जो मोमेंटम बनेगा ना फास्ट, वो बनेगा दोस्तों जब बाज़ार हमारा 18375 के ऊपर ग्रीन कैंडल बनाएगा और उस ग्रीन कैंडल को, हाई को तोड़ेगा, तब आप लोगों को कॉल साइड जाना है। टारगेट आपका 18410 का, 18430 तक का रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये बात हो गई मेरी निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी के लेवल जानने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो इसको जाकर ज़रूर ज्वाइन करें। ऑलरेडी 29,000 से ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं। लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, क्योंकि दोस्तों लाइव मार्केट के दौरान काफ़ी कुछ हेल्प, मतलब मैं आप लोगों के यहाँ पर करता रहता हूँ, चार्ट्स वगैरह भी पोस्ट करता रहता हूँ। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी भी भैया सीधा सीधा एक इंडिकेशन दे रहा है दोस्तों नेगेटिव ट्रेंड का, क्योंकि दोस्तों हाई ऑन सेल चल रहा है मार्केट फिलहाल। अभी कुछ दिन से देखोगे तो भैया हाई पर सेल हो रहा है। तो दोस्तों, ये वाला लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे ये टूटा समझ जाना भैया पुट वाले एक्टिव हो जाएंगे और खींच कर ले आएंगे बाज़ार को 41900 तक, और उसके बाद 41800 तक। तो दोस्तों, बिलो 41970 के नीचे आपको बाज़ार को शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी को। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग ट्रेड कहाँ बनेगा। तो दोस्तों, 42120 के ऊपर, ये वाला लेवल के ऊपर अगर 5 मिनट सस्टेन कर लेता है और ग्रीन कैंडल का हाई तोड़ देता है अगली बार, तो आप लोगों का टारगेट होना चाहिए दोस्तों 42210 का। मोटा मोटा आपको दोस्तों स्कैल्पिंग ट्रेड मिल जाएगी 80-90 पॉइंट की। बाज़ार अगेन आपको 42200 तक टच करता हुआ दिख सकता है। और दोस्तों, ट्रेंड कहाँ पर बुलिश होगा भैया बाज़ार का, वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। जब दोस्तों 42230 के ऊपर 15 मिनट मार्केट सस्टेन कर ले, 15-30 मिनट एक ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बना दे यहाँ पर इसके ऊपर, और उसके हाई को ब्रेक करे, तब आप लोग जा सकते हो 42500 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी के अंदर। तो होप दोस्तों ये सिंपल क्लियर कट लेवल्स आपको काफ़ी पसंद होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के लेवल्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।